क्रिकेट की दुनिया में। क्रिकेट यानी कि वर्ल्ड फेमस गेम, और इस गेम में जो भी आगे बढ़ता है वो इज्जत शोहरत सारा चीज पाता है। धनबाद इसमें किसी भी ढंग से पीछे नहीं रहा, उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी को नेशनल लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन कैसे डेवलप हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई और कौन लोग थे जिन्होंने इसका कल्याण किया, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए आज इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है कि कोई भी खिलाड़ी के लिए वह सब सुविधा उपलब्ध है जो वो खेलना चाहते हैं, ट्रेनर से लेकर कोच से लेकर के वो सारी फैसिलिटी। इवन कि लड़कियां भी कम नहीं रही इस फील्ड में। धनबाद डिस्ट्रिक्ट में लड़की का जो पोजीशन है आज की डेट में सबसे अच्छा है। आइए मिलते हैं हमारे धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के एक ऐसे वरिष्ठ इंसान हैं जिन्होंने इसका नींव रखा, एक तरह से कहा जा सकता है, और इनको सजाया संवारा। मैं बात कर रहा हूं विनय कुमार सिंह जी से। आइए उनसे पूरा परिचय भी लेते हैं और जानते हैं धनबाद क्रिकेट के बारे में। अपना परिचय दीजिए और उसके बाद बताइए कि धनबाद क्रिकेट का इतिहास कब से स्टार्ट हुआ। मैं विनय कुमार सिंह, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के मैनेजिंग कमेटी सदस्य और डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अभी मैं पद पर झारखंड में स्थापित हूँ। हम लोग धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन में, असल धनबाद क्रिकेट स्थापना 1978 में हुई थी। उस समय दलबीर सिंह ये सारे लोग, जो टाटा क्रिकेट में स्टेडियम में मैच चलता होता था जिसमें बिहार के समय में, और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हमारे पास दो ग्राउंड रहते, जेलगोड़ा स्टेडियम और एक टाटा स्टेडियम। वहाँ हम लोग का मैच होता था 91 से। हम लोग फिर इसमें क्रिकेट में एसोसिएशन में जुड़े तो हमारे अध्यक्ष मनोज कुमार, जो आज के दिन वर्तमान अध्यक्ष में हैं, उनके नेतृत्व में धीरे 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 स्वयं टीम हम लोग का खड़ा होते चली गई। सब लोग का सहयोग, यहाँ के सभी लोग वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी था, सदस्य सब खिलाड़ियों का सहयोग। हम लोगों ने क्रिकेट को डेवलप करने के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। जेलगोड़ा स्टेडियम में हम लोग का मैच होता था, मैट पर मैच होता था, तो हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए सुविधा प्रदान करनी, जैसे कैंप वगैरह होते हैं उनको ट्रेनिंग देना, क्योंकि बच्चे वहीं से जाते हैं। तो हर सेगमेंट का हम लोगों ने टीम टूर्नामेंट स्टार्ट किया, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 स्कूल टूर्नामेंट, प्लस ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सुपर डिवीज़न मैच का हम लोगों ने मैच को स्टार्ट किया। उसमें उससे क्या हुआ कि अंडर 14 से जो शुरुआत जड़ होता है, अंडर 14 से बच्चे हम लोग को मिलेंगे, स्कूल से बच्चे हम लोग को मिलना शुरू हुए। उनको हम लोग धीरे 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 डेवलप करना करते चला लगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया। मान लीजिए धनबाद झरिया में बच्चे खेल सकते थे, आज हमारे पास इंटीरियर मुगमा साइड में टीम नहीं थी धनबाद में, बाद में रेलवे ग्राउंड हम लोग का टर्फ विकेट हुआ। फिर हम लोगों ने मुगमा को डेवलप किया, उस साइड निरसा साइड में भी हम लोग का टीम खिलाड़ी को सुविधा के लिए कि आने जाने में दिक्कत होता है, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि जो लड़के हैं, देखिए हर कोई सुविधा संपन्न नहीं है, दूर नहीं जा सकते, उनके लिए हम लोग कोशिश किया नियरेस्ट जो होगा उस ग्राउंड को डेवलप करना। हम लोगों ने ECL का सपोर्ट लिया, BCCL ने सपोर्ट लिया, ECL ने भी ग्राउंड के लिए जगह दिया, हम लोग मैट पर चलता था मैच, बाद में उसको हम लोग टर्फ विकेट में लाया। तो आज हमारे पास मुगमा में 2 ग्राउंड टर्फ विकेट है, झरिया में 2 विकेट है, प्लस रेलवे ग्राउंड भी हम लोग पास में है, और CCW वहाँ भी हम लोग ग्राउंड है, और अभी हम लोग नया डेवलप कर रहे हैं काकों में। तो ये स्टार्टिंग हम लोग का था कि हम लोगों ने जो कोचिंग करते हैं, इंटर कोचिंग कैंप हम लोग चलाते हैं, जो कोचिंग करते हैं तो उन लोगों के लिए कोच को हम लोग ट्रेन करना चालू किया जो बच्चे को देते हैं। तो हम लोगों ने उन लोगों से अपना किया कि बच्चे को अच्छे से ट्रेनिंग दें, और अपना सुपरविजन में डिस्ट्रिक्ट का जो सुपरविजन है, जिले के जो हमारे पास पुराने खिलाड़ी रणजी प्लेयर जो हमारे हैं, उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उनको बढ़ाना चालू किया, अपने सिस्टम में लाना चालू किया। तो आज की परिस्थिति में हमारे पास करीब वही हम लोग आज 300-350 करीब मैच हम लोग कराते हैं एक साल में। 350 मैच होते हैं,
इसमें हम लोग BCCI का टूर्नामेंट होता है, जैसे कैनेट हुआ, विजय मर्चेंट हुआ, सब हम लोग का मैच हम लोग सब यहाँ कराते हैं। उसके बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट जो JCA का जो मैच हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच होता है, प्लस इंटरनल क्लब का जो हम लोग का मैच है, उन लोग से मैच हम लोग कराते हैं, जहाँ से मुझे बच्चे मिलते हैं। अच्छा, एक ही बताइए कि अभी तक धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन जो है, कितने बच्चे को उस लेवल पे ला के खड़ा की जो कि नामचीन हो, जानकार, मतलब सब लोग जानते हैं। अभी के माल हम लोग का जैसे देखिए, आज के दिन में हम लोग के समय शहबाज नदीम, आज के दिन में इंटरनेशनल प्लेयर शहबाज नदीम है, और आज भी हमारे स्टेट में बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आज में 19 में भी, 23 में, 19 में, 16 में हम लोग का प्लेयर है। महिला में अंडर 15 मैच होता है, अंडर 19 मैच, उसमें हमारे रिप्रेजेंट है वहाँ पर स्टेट लेवल में है। आज हमारी टीम पिछले वर्ष अंडर 16 टूर्नामेंट चैम्पियन रही है, अंडर 19 महिला चैम्पियन रही है इंटर डिस्ट्रिक्ट में, और कोई ऐसा सेगमेंट में नहीं है जहाँ धनबाद अपना चैम्पियनशिप बरकरार रखे हुए हैं जो टूर्नामेंट होते हैं। सर, एक ही बताइए, जो प्रोजेक्ट आप लोग जो लगा रहे हैं आप काको मठ के पास, हाँ, उसमें क्या क्या सुविधा रहेगा, क्या चीज है वो? आज देखिए, सबसे बड़ा चीज़ वो 72 यार्ड का, 72 मीटर का ग्राउंड है। वहाँ जो ग्राउंड है, एक अभी हम लोग का उसका JCA और सदैव सिंह क्रिकेट एकेडमी के साथ MOU हुआ है, उसके तहत में वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से वो JCA उसको डेवलप करें ग्राउंड को। वहाँ करीब 5-6 विकेट बनेंगे, टर्फ विकेट बनेंगे, जिसमें बच्चों को बढ़िया सुविधा मिले, नेट के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए भी रहेगा, बाद में ड्रेसिंग रूम अगर आएंगे तो हो सकता है कि वहाँ आने वाला समय में, इस साल हम लोग का टारगेट है कि मार्च अप्रैल में हम लोग अपना इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच करा लें, मैच वहाँ कर हो जाए, और नेक्स्ट ईयर टारगेट रणजी मैच के लेवल का ग्राउंड होगा। रणजी में आप देख सकते हैं कि आज के दिन में तो रणजी मैच खेलना हर खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी कंपलसरी हो गया, तो कोई दूर नहीं कि हो सकता है सब प्लेयर भी आके मैच, इंटरनेशनल प्लेयर खेलने को मिले वहाँ काको में। अच्छा, उससे हम लोग को देखिए, आज के दिन हम लोग टाउन शहर में तो डेवलप किया, लेकिन हम लोग गाँव में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आज के दिन में गाँव में इतने अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, हम लोग देखते हैं कि इतने अच्छे पड़े प्लेयर, लड़की हो या लड़का प्लेयर हो, जिनको सुविधा नहीं मिलने के चलते वो नहीं कर पाते हैं। तो धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अभी अपना एम है कि हम लोग गांव तरफ डेवलप करने के लिए, कि इंटरनल अब देखिए काको बनने से क्या टुंडी तो चाची उस टाइम के जो बच्चे होंगे वो खेलने को उनको मिलेगा, अच्छा कोच मिलेंगे, अच्छा कर कैंप कराएगा, डिस्ट्रिक्ट कराएगा, सेलेक्ट करेगा बच्चा को, तो उस जगह पर हम लोग को बच्चा मिलेंगे। इसे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट को बहुत अच्छे प्लेयर मिलेंगे। हम लोग को चाहिए प्लेयर, हम लोग चाहते हैं, एक ही एम है हम लोग एसोसिएशन का कि हम लोग अच्छा प्लेयर मिले, जिसको हम डेवलप करके हम अब ऊँचा ले जाएँ। और हमारे पास आज के दिन में धनबाद के पास में आज स्टेट लेवल के अंपायर खोजिएगा, हमारे पास है स्टेट लेवल स्कोरर, हमारे पास है कोच, हमारे पास है, मतलब हम किसी भी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर में बच्चे को डेवलप करने में हम हर तरह से सक्षम हैं। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों के साथ भी यहाँ के लोगों का भी हम लोगों के प्रति बहुत ही सपोर्ट रहता है, या तो प्रेस हो, या प्लस यहाँ के व्यापारीगण हो, या हमारे जो सदस्य हैं DCA के, उन लोगों का निस्वार्थ सपोर्ट रहता है, जिससे हम लोग काम करने बनता है। तो एक ही इच्छा रहता है कि हम लोग अच्छा करें, कि एक बच्चा मेरा आज भी इंटरनेशनल लेवल में कम से कम 2-4 बच्चे हम लोग को खेले। धोनी साहब भी खेले हैं, हैं, तो वो कब आए थे और कहाँ से उनकी शुरुआत कैसी हुई, जरा उनका भी थोड़ा सा ब्रीफिंग। हम लोग का यहाँ मैच था महाराष्ट्र और बिहार का, वो जेलगोड़ा स्टेडियम मैच हो रहा था वहाँ पर, उसमें धोनी जी भी थे, ऋषिकेश कानितकर भी खेल रहे थे उस समय, इंटरनेशनल प्लेयर थे सब कोई, वहाँ जेलगोड़ा स्टेडियम में ही मैच हुआ, वहाँ खेले थे उन लोग। और पहले भी जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हम लोग का मैच होता था उसमें धोनी आके यहाँ मैच खेले हुए हैं, और धोनी को धनबाद का भी अपना भी लगाव है, उनसे भी, उनको भी अब धनबाद से लगाव है, वो बताते भी हैं कि हमने वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैच खेले हैं, जब जाते थे भी जाते भी थे यहाँ पर, और करीब करीब यहाँ पर सौरव गांगुली, अजहरुद्दीन, सुनील गावस्कर भी जेलगोड़ा स्टेडियम आए हुए सबके, रोहन गावस्कर पकड़िए लोगों, मतलब हमको लगा मैक्सिमम अब प्लेयर धनबाद का इंटरनेशनल प्लेयर अजहरुद्दीन टाटा ग्राउंड में खेले हुए हैं। सबसे बड़ा चीज़ है कि धनबाद के दलजीत सिंह BCCI पिच क्यूरेटर है, पिच क्यूरेटर हेड है, हेड थे दलजीत सिंह, जो धनबाद से ही हुए, धनबाद क्रिकेट, धनबाद से क्रिकेट का बहुत ही रहा, यहाँ से JCA से लेकर BCCI तक में कहीं भी धनबाद का अपना एक अपना स्थान बना हुआ है,
जो स्थान आज के दिन में हमारे अध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं उनके नेतृत्व में आज हम लोग दिन प्रतिदिन अपना बढ़ते हैं। और एक ही हमारे क्रिकेट के की एम रहता है सबका कि हमको अच्छा प्लेयर मिले, उनके लिए जो भी सुविधा प्रदान करना हो हमारा क्रिकेट संघ तैयार रहता है। और खिलाड़ियों से मेरा आग्रह रहेगा कि वो खेले, अगर पोटेंशियल हमारे पास आ गया और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो धनबाद के खुद ही पिकअप कर लेता है बच्चों को लेकर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम लोग। कि आज के दिन में क्या है ना, आज के दिन में क्रिकेट अगर बच्चे अपने क्रिकेट के प्रति ध्यान दें, एक अपना समझिए कि बहुत ही बड़ा ही एक क्या बोले उसको काम जो कैरियर हो गया है, क्रिकेट एक कैरियर हो गया है, बच्चों को अपने क्रिकेट के ऊपर ध्यान दें और खेलें। क्योंकि अब जो है ना सारा मैच जो होता है सारा ऑनलाइन स्कोरिंग होता है। आप इतना धनबाद क्रिकेट संघ का जो हम लोग एक समय में पिछले साल 5 ग्राउंड में टर्फ विकेट पे 5 टर्फ विकेट में एक दिन में मैच कराए, 5ों में अंपायरिंग हुआ, 5ों में ऑनलाइन स्कोरिंग हुआ, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है अपने आप में। तो हम लोग चाहते हैं बच्चों से एक ही रहता है कि वो अपने करियर के बारे में सोचे, ये नहीं सोचे कि क्या करना, अच्छा खेलेंगे उन लोगों का सिलेक्शन होगा। और अभी पिछले साल से BCCI अब क्या कर दी है कि अगर बच्चा अंडर 16 भी खेलता है ना उसको पैसा देता है, अगर स्टेट चला गया बच्चा खेलने के लिए समझिए उसका करियर स्टार्ट हो गया उसका। पहले ये नहीं था, पहले सीनियर खेलिएगा तो पैसा मिलता, नहीं भी मिलता। हम लोग एक समय मैच कराते थे, अब ऋषिकेश कानितकर धोनी भी खेला है जेलगोड़ा स्टेडियम में, तो हम लोग ठहराते थे इधर गेस्ट हाउस में ठहराएंगे जहाँ हम लोग चलेंगे। आज के दिन में बहुत अच्छा करियर है, सुविधा भी संपन्न है, अब पैसा भी स्टार्ट कर देते ABCCI से खेलते मिल जाते हैं। स्पॉन्सर का तो मान लीजिए तो अपना कर लेंगे, BCCI सपोर्ट करता है प्लेयर को बहुत ज़्यादा। अब वो भी चाहता है कि जैसे भी चाहता है कि हम लोग का गाँव से बच्चा चाहिए सब। अच्छा एक चीज लास्ट में जाते जाते हमारे धनबाद क्रिकेट प्रेमी को क्या संदेश देना चाहते हैं? धनबाद क्रिकेट प्रेमियों को मैं इसी को धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों हमेशा उन लोगों ने हम लोग को सहयोग किया है और सपोर्ट किया है। यहां पर हम लोग IPL फैन पार्क लगाते हैं गोल ग्राउंड में, करीब 25 से 30 हज़ार का भीड़ इस बार हुआ था, लेकिन मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जितने शांतिपूर्ण ढंग से उन लोगों ने मैच देखते हैं इंजॉय करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और BCCI से भी हम लोग को लेटर आता है कि नहीं, सबसे अच्छा धनबाद के क्रिकेट प्रेमी हैं जो बहुत अच्छे ढंग से मैच IPL फैन पार्क को कराते हैं, और हर साल उन लोगों का इच्छा रहता है कि धनबाद में IPL फैन पार्क दें। धनबाद क्रिकेट प्रेमी के लिए इतना बड़ा खुशखबरी और क्या हो सकता है कि धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन हर बार हर तरीके से क्रिकेट प्रेमी को, वो भी नए नए जो सीखना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको हर तरह का सपोर्ट मिलता है, प्लेसमेंट भी मिलता है, ट्रेनिंग भी दिया जाता है यानी कि कोचिंग भी दिया जाता है, और अगर जो सबसे अच्छा करता है तो उसे प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं, वो ऑटो प्लेसमेंट हो जाता है। और ये धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इन्होंने इतना मेहनत किया कि क्रिकेट आज की डेट में धनबाद टीम जो है पूरे इंडिया में छाया हुआ है, और ये सारा का सारा श्रेय धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन को जाता है, और उससे भी अधिक जाता है हमारे उस प्लेयर को जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके परचम लहराने का प्रयास किया है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र, धन्यवाद।